लॉट। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल टू। ये नेक्स्ट वीडियो आएगी। नाम बता अपने। बी बैक बी ब्लॉग्स। हाँ, दिस इज माय न्यू ब्लॉग्स। मैं बता दूँ तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं पढ़ने के लिए बैठ ही गया था और एक चैप्टर मैंने ख़त्म भी कर दिया था, एक नाम मिस कर, लेकिन जैसे ही देखा मैंने बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश नहीं, तूफान आ गया है और अभी ये स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि जो कितने घने बादल हो रहे हैं, तो सब ने अपने अपने कपड़े घर के उतार लिए हैं। जिसका हमें इंतज़ार था बारिश का, तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो ऐसे लग रहा था कि तूफान मतलब आंधी आएगी, आंधी तो नहीं आई, लेकिन बारिश अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी वहाँ तो बहुत ज़्यादा बादल है, काले बादल, लेकिन इस साइड जाओगे ना तो इस साइड बादल कम है। तो अब बारिश जो कि तेज़ हो रही है, हो गई तेज़। अभी तो बारिश स्टार्ट ही हुई थी, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ जीजा के कपड़े हैं ड्राइक्लिंग करवाने, क्योंकि फोन आया था मेरे पास। मेरे हिसाब से तो मतलब मुझे लगता है कि बारिश बहुत तेज़ी हुई होगी, है ना। उसके साथ अभी फोन मतलब फ़ोन आया था दीदी का, कह रहे थे ड्राइक्लिंग के लिए जीजा के कपड़े दिया। मैंने कहा ओके भी आऊँगा। उसके बाद फिर मुझे कुछ मौसम भी तो बहुत बढ़िया हो रहा था सुहाना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। पर जो मेरा ब्लॉग्स था वो बहुत दिनों बाद ही आ रहा था, क्योंकि पेपर आ रहे थे। कल मैं वैसे इसी जगह पे आया था, यहाँ पे साइड में रेस्टोरेंट है यहीं पे। यहाँ की तो वो चाउमीन बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन अच्छी थी, स्वादिष्ट थी। ट्रैकिंग करवाने शॉप तो यहीं बगल में है, पर चलते हैं अंदर देख के आते हैं। थैंक यू। तो गाइस ये बिल दे दिया है 590 रुपये का, ये बिल दिया है और इसका प्राइस 590 रुपये बुलवाने की ट्रैकलिंग करवाने के। पर कोई नहीं, हमें करवाना था इसलिए हमने दे दिया। फिर कोई बात नहीं, मेरे को दीदी को एक बारी बताना पड़ेगा। ये इसके अंदर आ भी मिला और ये इसके लिए तो मना कर दी, खास कर धोने के लिए, क्योंकि ये नहीं धुला जाता ना, ख़राब हो जाएगा या फिर पता नहीं किस लिए, इसे मुझे घर पे ही धोना पड़ेगा। तो चल ब्रो, तो समोसा भी खाएंगे भाई, हम बाय। चल बाय चाचा, देखो आपके लिए क्या लाया हूँ मैं। समोसे लाया, समोसे प्लेट ले लो, एक प्लेट ले लो, ले लिया। आ जाओ आ जाओ परी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ परी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मेरा जो कैमरा है फ्रंट का थोड़ा वो ख़राब सा हो रहा है, उसमें थोड़ा धूल सी जम रही है, इसलिए थोड़ी मेरी जो फुटेज है वो अच्छी नहीं आ रही होगी और सिग्नल भी नहीं आ रहे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बिग बॉस नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे। और इन मेरी मम्मी बिल्कुल शांत है, दीदी भी शांत है, क्योंकि बिग बॉस नहीं आएगा इसलिए, है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो गाइस देख रहे हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है और अभी बज रही रात के 10, क्या पता सुबह भी बारिश हो, लेकिन शाम तक, मैंने बताया था ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और अच्छा वैसे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वहाँ पे एक रोशनी है वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा दिख भी रहा है। पहले वो रोशनी हमारे घर की साइड थी तो यहाँ तक पूरा उजाला जला था, लेकिन हमने और थोड़ी लाइट को थोड़ा मोड़ दिया क्योंकि वहीं तक उजाला रहना सही है ना गाइस। तो टीवी भी नहीं चल रही, सिग्नल भी नहीं आ रहे और मम्मी भी सो रही है, कोई भी
जवाब नहीं दे रहा। अरे आ जा यार, भाई नहीं है उसको योगेश, कोई बात नहीं मैं बोल दूंगा उसे, उसको हटा तो भी योगेश का हटा दूंगा। ओए ओए लड़ाई मत कर, लड़ाई के मत कर, मत कर, खेलेंगे हट जा। कोई बात नहीं, मेरे ब्लॉग्स में आ रहे यार, तुम पागल हो गया, हाय कर दो सारे बच्चों। हाँ चल, मैंने ले लिया कल ये को, चल मेरे में ही आ गया, तू खेल रहा है? हाँ भाई आ जा, मेरे में छोटू इसको ले लो भैया, 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 इसको ले जाओ फिर भाई अदरक कैसे दे रहे हो? 15 रुपया जैसे हो गया, जगह क्यों बदल दी यार? स्टार्ट। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल टू। ये नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो हे गाइस, मैं बता दूं, मैं जा रहा हूँ अपनी ओडी पे। ये हमारी बिक्की है और ये हमारे सब्सक्राइबर जा रहे हैं, हमसे बात नहीं करते, नाराज हो गए। चलो वहीं छोड़ भैया, एक दूध दे देना, फुल क्रीम। भाई ये सिक्का नकली दे दिया आपने, और ने दे दिया होगा। बस हो गए, थैंक यू। ओ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। फ्रेंड ये अंदर आ नहीं सकती, ये नॉट अलाउड। आ जाओ परी। तो अभी मैं बाहर ही गया था ग्राउंड पे, एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि भाई ग्राउंड की वीडियो बनाया करो, तो वही मैंने ग्राउंड की वीडियो बनाई। तो मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ थोड़ा खेल रहा था, तो मेरे बचपन के दिन याद आ गए और खेल के, और अच्छा भी लगा और थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो गया। और तो गाइस, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ चुकी होगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।